नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं खेल की खास खबर। करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेगी आरसीबी राजस्थान की टीमें। प्लेइंग 11 में हो सकते हैं ये बदलाव। आईपीएल 2019 के 49वें मैच में मंगलवार 30 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स से होगी। ये मुकाबला पॉइंट्स टेबल में आखिरी दो स्थानों पर मौजूद टीमों के बीच होगा, जिनके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं काफी कम है। आरसीबी की टीम ने अब तक सिर्फ 4 मैच जीती है और पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर है। अगर आरसीबी अगले 2 मैच जीत लेती है तो उनका प्लेऑफ की उम्मीदें गणितीय आंकड़ों पर टिकी होगी। वही राजस्थान भी अब तक 5 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है और बाकी बचे दोनों मैच जीतने पर भी उसकी अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं अगर मगर में अटकी होगी। पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने मैच के दौरान साथी खिलाड़ी को मारी लात, वीडियो हुआ वायरल। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां वह 5 मई से 19 मई तक एक T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस सीरीज से पहले पाकिस्तानी टीम ने नॉर्थम्पटनशायर के खिलाफ सोमवार 29 अप्रैल को खेले गए दूसरे प्रैक्टिस मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की। इस मैच से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। इस वीडियो में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद टीम के साथी खिलाड़ी बाबर आजम को लात मारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में नॉर्थम्पटनशायर की पारी के दौरान विकेट कीपिंग कर रहे सरफराज अहमद बाबर आजम के पास आकर कुछ करते दिख रहे हैं और आजम के पीछे मुड़ने पर उनको लात मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि पता नहीं चल पाया है कि सरफराज ने बाबर आजम को लात मजाक में मारी है या किसी बात पर नाराज हो। सुप्रीम कोर्ट का अम्रपाली ग्रुप को निर्देश, एक दिन में सौंपे धोनी को किए गए भुगतान का विवरण। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अम्रपाली समूह को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी के साथ हुए उसके सभी लेन देन का पूरा विवरण बुधवार तक कोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश धोनी द्वारा इस समूह के खिलाफ उनकी एंडोसमेंट फीस न चुकाने जाने की याचिका के संदर्भ में दिया गया है। इससे पहले अम्रपाली समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। धोनी ने अपनी याचिका में कहा था कि 2009-2016 तक इस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उनका 38.95 करोड़ रुपए कंपनी पर बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही धोनी ने अम्रपाली के खिलाफ दायर अपनी याचिका में इस ग्रुप के प्रोजेक्ट में उनके द्वारा खरीदे गए पेंट हाउस पर कब्जा दिलाए जाने की भी अपील की। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।